नमस्कार भाइयों, श्री शारदा मशरूम फार्म में आप सबका स्वागत है। भाइयों भाइयों, आज हम आपको अपने हाईटेक फार्म में जो भी प्रोग्रेस है वो दिखाएंगे। स्पॉनिंग करने के बाद क्या स्टेटस है हमारे माइसीलियम का, कैसा हमारा बैग रन हुआ है। और आज हमें 12 दिन हो गए हैं स्पॉनिंग किए हुए। हमने 21 तारीख को स्पॉनिंग करी थी, आज हमें 12 दिन हो गए हैं। आज 13वां दिन है मॉर्निंग, और 12 दिन के अंदर हम देखते हैं कि हमारी बैग के अंदर क्या ग्रोथ है, स्पॉन का माइसीलियम कैसे रन हो रहा है, वो हम आज आपको दिखाएंगे। दोस्तों जैसे कि आप ये बैग देख रहे हैं कि हमने इस बार बेड नहीं किया है सारा, हमने इस बार बैग में ही लगाया है, बैग से ही किया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो हमारे ग्रोथ है, ये देखिए इस हिसाब से हमारा बैग में जो है माइसीलियम रन हो रखा है। और आप कोई भी बैग इसमें से देखेंगे, कुछ भी देख लीजिए, ये हमारे बैग पूरे रेडी हैं। देख लीजिए आप, ये देखिए हमारे ये पूरे बैग रेडी हैं माइसीलियम के लिए। देखिए कितना अच्छा माइसीलियम रन है, हमारे सारे बैग तैयार हैं केसिंग के दोस्तों। और कल हम इसकी बैग की केसिंग करेंगे दोस्तों। नॉर्मली जो टनल वाली कंपोज होती है उसके अंदर 10 से 12 दिन के अंदर ही आपके बैग रेडी हो जाते हैं केसिंग लायक, 10 से 12 दिन। दोस्तों ये जो आप कलर देख रहे हैं, ये हनी कलर से देख रहे हैं जो आप, ये देखिए दोस्तों, ये आने का मतलब आप समझ लीजिए कि आपका बैग पूरा रेडी है केसिंग के लिए। आपका जो माइसीलियम है वो पूरा रन हो चुका है बैग पे, अब आप केसिंग कर सकते हैं। ये देखिए भैया, आप देख सकते हैं, ये एक तरीके का इंडिकेशन है। जैसे देखिए आप हर बैग में आपको दिख रहे हैं, इस तरह का इंडिकेशन है कि आपका अब बैग रेडी है केसिंग के दोस्तों। और कल हम इसकी अब केसिंग करेंगे दोस्तों। केसिंग हम एक दो दिन वैसे लेट ही हैं, ये 10 तारीख मतलब 10 दिन के अंदर ही हमारा बैग ऑलमोस्ट पूरा हो गया था कंप्लीट, बट केसिंग मटेरियल हम रेडी नहीं कर पाए क्योंकि मेरी जो कोकोपीट है जहाँ से आनी थी वो वहाँ से नहीं आ पाई, तो इसकी वजह से हमारी दिक्कत हो गई, हमारा सारा लेट हो गया। तो इसकी हम कल केसिंग करेंगे दोस्तों। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।